साथियों, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 500 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण के भगीरथ कार्य के लिए निकले थे, तो यही वो चुंबकीय शक्ति थी जिसमें ज्यादातर राजे रजवाड़े उसी भाव विश्व के अंदर खींचे चले आए थे। उस समय हर रजवाड़े और वहां के लोगों में कहीं ना कहीं भारतीयता की भावना भरी पड़ी थी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कालखंड में राजे रजवाड़ों में भारतीयता का ये भाव प्रकट होने का अवसर मिला हो या न मिला हो, कभी वो प्रकट कर पाए हो या न कर पाए हो, लेकिन भारतीयता का ये भाव सदियों की गुलामी के बावजूद भी, भांति भांति के संकटों के बावजूद भी, भांति भांति प्रकार के लोप उसके बावजूद भी, भारतीयता की वो भावना हिंदुस्तान के किसी कोने में कभी भी लुप्त नहीं हुआ था। और इसलिए सरदार पटेल जब एकता का मंत्र लेकर निकले तो सभी उसकी छत्र छाया में खड़े हो गए। और भाई और बहनों, हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि शताब्दियों पहले तमाम रियासतों को साथ लेकर, राजे रजवाड़ों को साथ लेकर के, अलग अलग परंपराएं विविधताओं को साथ लेकर एक भारत का सपना लेकर राष्ट्र के पुनरुद्धार का सफल प्रयास करने वाला हमारे इतिहास में एक और नाम था, और वो एक नाम था चाणक्य का। चाणक्य ने सदियों पहले अपने कालखंड में देश की शक्ति को एकजुट करने का प्रयास किया था। चाणक्य के बाद, सदियों के बाद अगर ये काम कोई कर पाया तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर पाए थे, वरना अंग्रेज तो चाहते थे कि आजादी के साथ ही हमारा भारत छिन्न भिन्न हो जाए। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी इच्छा शक्ति से देश को एक सूत्र में पिरोकर देश विरोधी सारी ताकतों को परास्त कर दिया। भाइयों और बहनों, आज विश्व मंच और विश्व मंच पर हमारा प्रभाव और सद्भाव दोनों बढ़ रहा है, तो उसका कारण हमारी एकता है। विविधता में एकता, ये हमारी पहचान है। आज पूरी दुनिया भारत की बात गंभीरता से सुनती है, तो उसका कारण कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, महान संस्कृति, महान परंपरा, यही तो हमारी शक्ति है और यही एक हमारा कारण है। आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में अपनी जगह बना रहा है, अपने हक का स्थान प्राप्त कर रहा है। कारण अर्थ जगत का होगा, मामला रुपये डॉलर और पाउंड का होगा, लेकिन उसके पीछे की सही ताकत
देश की एकता है, देशवासियों के संकल्प है, देशवासियों का पुरुषार्थ है, देशवासियों को कि संकल्प को सिद्ध करने के लिए अथाग अंथक पुरुषार्थ और परिश्रम है। दुनिया को हमारी ये विविधता अजूबा लगती है, जादूगरी लगती है, लेकिन हम भारतीयों के लिए ये तो हमारी अंतर प्रवाहित जीवन धारा है। ये वो जीवन धारा है जो आदि काल से अनवरत हमारी संस्कार सरिता बन करके हमारे मन मंदिर से प्रवाहित तो होती रहती हैं, पुलकित करती रहती हैं, समयानुकूल उसमें नई नई चीजें जोड़ती चली जाती है। जिस जीवन धारा पर सरदार पटेल का अटूट और अखंड विश्वास था,